पधारो नी मारे दे। मियां खलीफा उसका नाम तो सुना ही होगा, आज हम आपको दूसरे मियां खलीफा के पास लेके चलते हैं। क्या बोला तूने? तो चलो मियां खलीफा की थोड़ी स्टोरी भी जानते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई जयपुर की तो मियां खलीफा अपन को वैसे तो मिलने वाली नहीं है, अगर आपको चाहिए तो इधर आके खा लीजिए। तो अब हमने बुक कर लिया तो हमारे पास आ गई, अभी नहीं आएगी। तो रुको जरा, सबर करो। पैसा वसूल बर्गर है, पैसा वसूल किया था। भैया थोड़ा पास आओ, कुछ चीजें सुनाते हैं अच्छी अच्छी। हाँ जी बिल्कुल। हाथ आपके सॉफ्ट है। अच्छा, कभी सख्त चीज नहीं पकड़ी आपने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, इसलिए है ये लोडा। रखना, छेड़ना नहीं है, खाना नहीं है, हिलाना नहीं है, दो मिनट के लिए जाना नहीं है, सीधा मेरे लिए फालतू रेडी। बाकी तो अपनी गारंटी से पूरे लेंगे, वो भी 69-70। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था और हमने सिटी कवर की थी, और आज हम आया थोड़ा सिटी से बाहर इस तपती हुई गर्मी में आपके लिए एक और नया फूड ब्लॉग लेके। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कुछ अलग से नेम और कुछ अलग से स्वाद के साथ। तो आज हम भैया के पास आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल के टीनेजर जानते हैं, जो मियां खलीफा उसका नाम तो सुना ही होगा, आज हम आपको दूसरे मियां खलीफा के पास लेके चलते हैं। आपको दूसरे मियां खलीफा के पास लेके चलते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल। तो आज हम सिटी से बाहर निकल गए, हम आए मानसरोवर स्वर्ण पथ सर्किट। तो आज हम आ गए हैं भैया के पास और पूछते हैं भैया का कुछ स्पेशल जो बर्गर है यहाँ का सबसे टेस्टी, उसके बारे में। तो भैया अपने ये कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 2 साल हो गए, एक दुकान पुरानी है, 7-8 साल। अच्छा, 2 साल हो गए। तो यानी ज़्यादा अपन को रीच जो मिली है, अपन को ज़्यादा ऑडियंस जो मिली है इधर से? तो जैसा कि आप देख रहे हैं भैया की जो स्टॉल है बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप इनका बर्गर भी देखिए बहुत फेमस है। तो अपना ये कौन सा बर्गर लगा रहे हैं? मियां खलीफा, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी वीडियो में, मियां खलीफा बर्गर लगा रहे हैं भैया। तो चलो मियां खलीफा की थोड़ी स्टोरी भी जानते हैं। हाँ तो भैया आप थोड़ा स्टोरी बताइए इसके बारे में कि मतलब मियां खलीफा बर्गर कैसे है। बाकी कैसा है तो खाने पे आप लोग बताओगे, और ऑडियंस का क्या मिल रहा है आप यूजर है जो वीडियो देख रही है? अरे नहीं, मतलब ये इतना यूनिक नाम कैसे? इंडिया मेरे भाई बेसबॉल और अच्छी है, कुछ भी है। अच्छा, टीनेजर्स को आप टारगेट करके मियां खलीफा बर्गर निकाल दिया? वैसा भी नहीं होता। तो स्पेशली ये वैसे तो टीनेजर्स को टारगेट करके ही निकाला है, बट भैया ऐसा बोलना नहीं चाह रहे। अपन टेस्ट भी ट्राई करेंगे बर्गर का, आपको बताएंगे, इसका पूरा रिव्यू देंगे। तो भैया अपने टाइमिंग क्या है अपने वैसे स्टॉल का? स्टॉल का टाइमिंग है भैया 3:30 से लेकर रात के 11:30, 10:30 के बाद प्रभु इच्छा। 10:30 के बाद प्रभु इच्छा। माल है, चलो बढ़िया है। तो और अपनी वैसे देखा जाए तो जो प्राइस है बर्गर की, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या रहने वाली है। पहले आप बर्गर देखिए कैसा रहेगा। बेस के बारे में थोड़ी स्टोरी, जैसा कि आप मैंने सुना स्टोरी बताया, वो अभी आपको बर्गर बन जाए तो बर्गर आपको खिलाऊंगा, एक बार हाथ दिखाओ वो वाला, दिखाओ मजा आएगा, मजा आएगा भैया ने हाथ देखते पता चला। ये भैया स्पेशल मसाला है रात के 12 बजे वाला। रात के 12 बजे वाला नाम दिया गया चटनी या केले और काटू बनती है। आपसी प्यार का मसाला है, बड़े प्यार से बना रहे हैं भैया, बड़े प्यार से मसाले लगा रहे हैं। मतलब थोड़ा जम्मू के स्टाइलिश मिक्स है, जम्मू का स्टाइलिश है, वो चीज़ है जो, हाँ हाँ, वो जम्मू के अंदर एक कलाड़ी कुलचा मिलता है। कलाड़ी, हाँ, वो जम्मू की
प्रॉपर चीज़ है, अमूल चीज़ भी उसके बाद आई अगर बोला जाए तो, अमूल जम्मू की देसी चीज़ है। चलो बढ़िया है, फिर तो इस बहाने जम्मू भी जाना ही पड़ेगा। जम्मू चाहिए, राकेश भैया कलाड़ी कुलचा खाइए, इतना टेस्टी लग रहा है ना बर्गर की, मतलब रुका नहीं जा रहा है, बढ़िया बना रहा है, मेरे को तो लग रहा है अभी दे दो अभी दे दो। जयपुर की तो मियां खलीफा अपन को वैसे तो मिलने वाली नहीं है, अगर आपको चाहिए तो इधर आके खा लीजिए। छोले कुलचे तड़का मियां खलीफा को अब हमने बुक कर लिया तो हमारे पास आ रही है, अभी नहीं आएगी, भैया तो देने को ही मना कर रहे हैं भैया, गजब बेइज्जती है। मतलब भैया इतना कुछ डाल रहे ना इस बर्गर में, मतलब मेरे को तो लग रहा है पैसा वसूल बर्गर है, पैसा वसूल, डबल पैसा वसूल। आप बाकी रेट देखना वीडियो के एंड में, बनी रहिए। छोटे को ये गणित है भैया, इस बर्गर को इतना टेस्टी बनाया जा रहा है ना, इतना टेस्टी बनाया जा रहा है ना, मतलब धोखा नहीं जा रहा है भैया, दे दो भैया कैसे भैया पूछा कैसे दोगे। अरे कहना क्या चाहते हो, जैसे मियां खलीफा आना चाहे वैसे दे दीजिए। आपका हाथ चेक किया था? अच्छा, तभी हाथ चेक किया था। भैया थोड़ा पास आओ, कुछ चीजें सुनाते हैं अच्छी अच्छी। हाँ जी बिल्कुल, हाथ आपके सॉफ्ट है। अच्छा, कभी सख्त चीज नहीं पकड़ी आपने? अभी चीज आई नहीं पाई, हाथ पकड़ा था रोज अपना पकड़ते हो तो मेरा पकड़ते हो, जिस बंद नीचे रख लो। ये बेडरूम आ गया, बेडशीट आ गया, इसको ऐसे रखना, क्योंकि रूम सर्वेंट आएगा वो लेके जाएगा, आपको छेड़नी होनी गंदी रहनी, कुछ नहीं आपके होकर गंदी होने वाली थी, वो आप ही करो आपकी कैपेसिटी। कैसा लोगे? लेवल में लेके आओ नीचे, एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से अच्छे से पकड़ो, सीधा रखो, सीधा रखना, छेड़ना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, तुम्हें मिट के लेके जाना नहीं, सीधा मिट के लिए पाल तो रेडी, पाल भी तो अपनी वो है 69 से एक ज़्यादा नहीं, 69।